Assalamualaikum, welcome to my channel. मुल्क कैसे तरक्की करेगा इकबाल? तेरे शाहीन मेहनत कम, टोपी ड्रामे ज्यादा करते हैं। कौमी खजाने की तसल्ली बख्श सफाई के लिए हार्पिक अब दो खूबसूरत रंगों में दस्तयाब है। क्या फायदा इंतखाबी निशान शेर रखने का, जब बंदे की हर रोज कुत्ते वाली होती हो। बच्चे दो ही अच्छे, हुकूमत पंजाब। असल मासूम तो वो है जिन्हें नवाज शरीफ की इस कॉल का पता नहीं। हाँ जी, किस किस को नवाज शरीफ की कॉल आई है वोट मांगने के लिए? 8 फरवरी इलेक्शन वाले दिन से 2 या 3 दिन पहले पूरे मुल्क में इंटरनेट बंद कर दिया जाएगा ताकि खुलकर धांधली की जा सके और भगोड़े गधे को जिताया जा सके। आज मेरे नंबर पर कॉल आई कि वोट नवाज शरीफ को दें। कॉल के बाद देखा तो मोबाइल से बैलेंस ही गायब था। इलेक्शन और वोट में मेरी मकबूलियत नहीं तो क्या हुआ? करप लोगों में तो पहले नंबर पे हूँ ना। फ्रॉम नवाज शरीफ। हम क्रिकेट खेल कर सियासत में नहीं आए, मौका मिला तो केपी में भी सिंह जैसी तरक्की करेंगे जरदारी साहब। बाबा जी कहते हैं मरियम नवाज का पहला जुमला सुनकर ही आधा जलसा खाली हो जाता है। जुमला है मेरे भाइयों। घमंड इस बात का है कि नवाज शरीफ की कॉल आई थी। खुदा दा वास्ता है, हेलमेट पहनो ना पहनो, 2-2 साल का वक्फा जरूर रखो। हमारी जिंदगी में 4 नंबर की बड़ी अहमियत है। 4 जमातें पढ़ ली है तो अब 4 पैसे कमा लो, वरना 4 लोग क्या कहेंगे। कुछ नहीं यार, बस आज इतवार था तो पुप्पो हमारी तरफ आई थी। मछली सारी उम्र नहाती रहती है फिर भी उसकी स्मेल नहीं जाती। आप अगर सर्दियों में नहीं नहाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो पहले वक्तों की औरतें थी जो रात सीने में लेकर मर जाती थी, अब तो स्टेटस लगाती है स्टेटस। बाबा जी ने बहुत फरमा लिया, अब उनकी बेगम फरमाती है कि तनकीद करना सबसे आसान काम है क्योंकि इसके लिए ना किसी सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है और ना काबिलियत की, बस एक एक्स्ट्रा लार्ज मुंह चाहिए होता है जिसमें 6 गज लंबी जुबान मौजूद हो। मेरी जिंदगी का एक फखरिया लम्हा मुझे आज भी याद है जब मुझे पेपर बिल्कुल भी नहीं आ रहा था और निगरान ने आके कहा पेपर छुपा लो, पीछे वाला देख रहा है। अब आप घबरा सकते हैं क्योंकि मैं अब प्राइम मिनिस्टर नहीं हूँ। खुश सर।